Hello student, in this video we will solve one more sum of median. We'll solve question 4 of exercise 14.3. because why we are solving directly 4 after 1, because second and third a little bit of different kind that we will solve at last. Let us read the question. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and data obtained is represented in the following table. Find median length of the leaves. That means we want only median. Listen, while finding median, you have to take care of one thing. Whatever class we are having, that should be continuous. In previous lecture already I told you what is the meaning of continuous classes. Yani, whatever upper limit of first class we have, same should be lower limit of the second class. यानी पहले वाले class की पहला वाला class जहाँ पर end होता है वहीं से दूसरा वाला class start होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा. That means ये continuous नहीं है. अगर continuous class हमें नहीं दिए हैं तो mean पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीन के फॉर्मूले में लोअर लिमिट नहीं आती है. जबकि हम देखें तो मीडियन और मोड दोनों के फॉर्मूले लोअर लिमिट आती है तो वो इफेक्ट करेगा. तो मोड और मीडियन का सम सॉल्व करने से पहले चेक करो कि वेदर क्लासेस आर कंटिन्यूअस और नॉट. सी हियर क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, सो वील मेक देम कंटिन्यूअस बाय फाइंडिंग आउट बाउंड्री पॉइंट्स. बहुत ईजी है फाइंड करना. लोअर लिमिट आपकी जो भी है उसमें से 0.5 माइनस करो तो आपको मिलेगा लोअर बाउंड्री पॉइंट. बहुत इजी फाइंड करना. 118 में से 0.5 माइनस करो कितना आएगा, 117.5. इजी तरीका भी है इसका. आपको एक काम करना है, 118 के पहले कौन सा नंबर आता है, 117.5 लिख डालो. अब ये मिल गया हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट. लोअर बाउंड्री पॉइंट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने पर मिलता है, और अपर बाउंड्री पॉइंट अपर लिमिट में 0.5 प्लस करने पर मिलता है. ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो. 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 126.5. सिंपल इतना याद रखो, 118 के पहले वाले नंबर जो है 117 उसमें 0.5 ऐड कर दो. अब 126 में 0.5 ऐड कर दो तो मिल गया 126.5. यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने पर लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलता है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने पर अपर बाउंड्री पॉइंट मिलता है. अब इसके बाद तो बहुत इजी है. ये क्लास में लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए 127 में 0.5 माइनस करो कितना मिलेगा, 126.5. ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट है वो यहां कॉपी कर डालो. और अभी अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए 135 में 0.5 ऐड कर दो, 135.5. अभी वाले क्लास का अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, 135.5. अब अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए इसकी अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, 144.5. बाद के क्लास के लिए लोअर बाउंड्री पॉइंट होगा 144.5, जहां पर ये उसके पहले वाला क्लास एंड हुआ वहां से ये स्टार्ट कर दो. नाउ टू फाइंड आउट अपर बाउंड्री पॉइंट ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट, सो इट विल बी 153.5. सेम दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 153.5. अब इसके अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, 160.5. नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री पॉइंट जहां पर प्रीवियस क्लास को हमने एंड किया, 162.5. अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए अपर लिमिट 0.5 ऐड कर दो, 171.5. उसी तरह से 170.5, 180.5. अब फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मैं एक बार फिर से ये बाउंड्री पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं. लोअर लिमिट 0.5 माइनस करके लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलता है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने पर मिलता है. 118 में 0.5 माइनस करूंगा तो आएगा 117.5, और 126 में 0.5 ऐड करूंगा तो आएगा 126.5. वी नो Q
cumulative frequency of first class is first frequency itself. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख डालो पहले, फिर उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करो. सो इट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड क्लास. थर्ड क्लास की फाइंड करने के लिए पहले प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख डालो 8, उसमें करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड करो यानी 9. सो 8 प्लस 9 17. उसके बाद की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, उसके अंदर करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो यानी 12. इट विल बी 29. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 29. उसमें करंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5. तो बनेगा 34. फॉर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 प्लस करंट फ्रीक्वेंसी 4. So it will be 38. For this previous cumulative frequency 38 and current frequency 2 equal to 40. As I told you, whatever last cumulative frequency you are getting, that will be sum of frequency, that means sigma fi. Let us substitute values. But to start this sum, first we'll find out n. We know whatever sigma fi we have, that will be n. It is 40. Now find out n by 2, that means 40 by 2, it will be 20. अब आपको खास ध्यान रखना है, whatever n by 2 you are getting, which is 20, find out first cumulative frequency greater than 20. 30 is greater than 20? No. 8 is greater than 20? No. 17 greater than 20? No. 29 greater than 20? Yes. तो हमें क्या करना है, जो पहली cumulative frequency greater than n by 2 यानी 20 मिलती है, उसके सामने रेक्टेंगल और उसके रेक्टेंगल के ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर स्क्वायर. तो अब फॉर्मूले की सारी वैल्यूज हम ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में से लेंगे. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट मीडियन क्लास. लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब हमने बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर दिए तो अब हमें यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये 3 कॉलम को देखेंगे यानी बाउंड्री पॉइंट, फ्रीक्वेंसीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो नाउ अवर मीडियन क्लास इट विल बी 144.5 टू 153.5. जैसे मैंने बताया था, फॉर्मूले की सारी वैल्यू या तो रेक्टेंगल में से लेने की या तो स्क्वायर में से. तो अवर मीडियन क्लास विल बी 144.5 प्लस 153.5. नाउ वी नो लोअर लिमिट इज व्हाट, एयर इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, इट विल बी 144.5. एच इज क्लास साइज, क्लास साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एक ही चीज करनी है, हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव अपर लिमिट, दैट मीन्स 135 माइनस 126, इट विल बी 9. अब कुछ लोग ये सोचोगे कि सर ये हम अपर बाउंड्री पॉइंट को माइनस नहीं कर सकते. हाँ वो भी कर सकते हो, चेक करो 135.5 माइनस 126.5 वो आएगा 9. एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बेटर है हम ये इसको हम एच क्लास साइज यहीं से हमारा जो फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव अपर लिमिट वहीं से लेंगे, बाकी सारी वैल्यू इधर से आएगी. चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. लोअर लिमिट हमारे पास है 144.5 प्लस एन बाय टू हमने फाइंड करके रखा हुआ है विच इज 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब चेक करो हम सारी वैल्यू या तो ये रेक्टेंगल में या तो स्क्वायर में से लेना है, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है. तो चेक करो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, 17. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 17 अपॉन एफ इज फ्रीक्वेंसी, दीज ऑल आर द फ्रीक्वेंसीज. देखो फ्रीक्वेंसीज रेक्टेंगल में आती है कि स्क्वायर में, ये रेक्टेंगल में आती है जो है 12. सो आवर वैल्यू ऑफ एफ विल बी 12 इनटू एच इज क्लास साइज विच इज 9. Now 144.5, here it is, plus 20 minus 17 will be 3 upon 12 into 9. Now reduce this, 3 1s are 3 4s are 3 1s are 3 4s are. यहाँ पर 1s आ जाएगा तो 1 9s are 9 और नीचे 4s are 12 आएगा 4. Now 144.5 plus if I divide 9 by 4, it is easy for you, I will get 2.25.
So 144.5 plus 2.25 will be 146.75, which is our answer, that is median. As I told you, we can verify median also. Median always lies in the median class. Check it out. Here median class is 144.5 to 153.5. M is lying between, M is 146.75, which is between 144.5 to 153.5. That means our answer is correct. Go through the sum once again. Let us solve next sum, which is of exercise 14.3, question 5. Here class and frequencies we have, we want to find out median. We know first column will be of class, which are already given. Second column will be, third column will be of the frequencies that are also given, that I had copied. Now check it out, the classes are continuous or not. Here upper limit of first class is 2000 and lower limit of second class is 2000. Matlab first class jahan pe end ho raha hai wahi se second class chalu ho raha hai, matlab ye continuous hai. Yahan boundary point find karne ki zarurat nahi hai. Humne aage kyu boundary point find kiye the? Kyunki jahan pe first class end hota hai wahi pe second class start nahi ho raha tha, matlab ye continuous nahi tha, isliye humne find kiya tha. सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. तो यहां पर डालेंगे हम कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. अब बताओ व्हाट विल बी कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 इटसेल्फ. अब सेकंड कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? पहले प्रीवियस कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 14 प्लस क्या ऐड करेंगे? करंट फ्रीक्वेंसी मतलब 56, दैट विल बी 70. अब नेक्स्ट कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीवियस कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करंट फ्रीक्वेंसी 70 plus 60, it will be 130. अब इसके लिए previous commutative frequency plus current frequency 86, so 130 plus 86, it will be 216. Next 216 plus current frequency 74, it will be equals to 290. For the next one, 290 plus current frequency 62, 290 plus 62 will be 352. Now next, 352 plus 48, it will be equals to 400. As I told you, whatever last commutative frequency you are having, that will be sigma fi. Now let us substitute values, but to make the rectangle in square we require n by 2. We know what will be n, sigma fi, it will be our n, that is 400. N by 2, so 400 divided by 2, 400 divided by 2, it will be 200. So our n by 2 will be 200. Ab dhyan rakhna next step. Hame rectangular square banana hai. Check it out, which first CF or cumulative frequency is greater than 200? 14 hai, 200 se greater? No. 70? No. 130? No. 216? Yes. तो पहली जो CF greater than 200 है उसके सामने बनेगा रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के ऊपर एग्जिट बनेगा स्क्वायर. हम रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों बनाते हैं? फॉर्मूले की सारी वैल्यू हमें यहां से लेनी है. तो पहले फाइंड करेंगे मीडियन क्लास. देखो मीडियन क्लास रेक्टेंगल में आता है, स्क्वायर में रेक्टेंगल में. तो ये क्लास 3000 टू 3500 विल बी आवर मीडियन क्लास एंड एस स्टैंड फॉर लोअर लिमिट. L is the lower limit of the median class, which is 3000. H we know very well. Difference of two consecutive upper classes, upper class 2000 and here upper class 2500. 2500 minus 2500. Okay, now this is the formula of median. M equal to L plus N by 2 minus CF upon F into H. Let us substitute the values. A lower limit, here it is 3000 plus n by 2, ये find करके हमने रखा हुआ है 200 minus CF. क्या है commutative frequency? देखो, अब CF rectangle में आता है, square में
ये रही हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये आता है स्क्वायर में, वो है 130 अपॉन f फ्रीक्वेंसी। ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, ये सारी के सारी चेक करो, ये सारी फ्रीक्वेंसीज रेक्टेंगल में आती है स्क्वायर में। ये वाले रेक्टेंगल में कौन सी आती है, 86। तो फ्रीक्वेंसी 86 इनटू h क्लास साइज कहां फाइंड किया हुआ है हमने, हियर इट इज 3500। नाउ 3000 इज इट इज प्लस 200 माइनस 130, 70 अपॉन 86 इनटू 500। अब हमें इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 70 इनटू 500 विल बी 35000 अपॉन 86। अब ये डिवीजन मैंने शो नहीं किया है क्योंकि हर बार डिवीजन में शो कर दूंगा तो आप लोग सीखोगे कैसे। नाउ बाय योर ऑन डिवाइड 35000 बाय 86, यू विल गेट 406 प्लस 9.976। हमें 3 डिजिट तक फाइंड करना है, हमें मालूम है थर्ड डिजिट अगर 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस में हम क्या कर देते हैं, 18, तो 97 का क्या हो जाएगा, 8। तो हमें मिलेगा 3000 प्लस 406 प्लस 7 का बन जाएगा 8, यानी 406.98। 3000 में 406.98 करेंगे तो मिलेगा 3406.98, विच इज अवर मीडियन। अब मैंने एक मेथड बताई थी मीडियन वेरीफाई करने के लिए, मीडियन ये आपको मालूम है। नाउ चेक इट आउट दिस होल आंसर वंस अगेन। चेक करो हमारा जो मीडियन है 3406.98 वो हमारे मीडियन क्लास में आना चाहिए, जो ऑलरेडी है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चेक कर लो एक बार आंसर। मैं ये दोनों सॉल्यूशंस पीक के फॉर्म में रखूंगा और आपका होमवर्क होगा 14.3 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, वो भी मैं पीक में रखूंगा जो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।